सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों को टेक्नोजॉय लॉजी के और एक नए एपिसोड के अंदर। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हो, आज हमारे पास है इन्फिनिक्स का हॉट 10 वाला डिवाइस और इस वाले डिवाइस के अंदर एक नया सा अपडेट आ चुका है। अगर सेटिंग में जाके आप लोग चेक करो सिस्टम में और सिस्टम अपडेट में जाकर, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि चेक करके आप लोग देख सकते हो, एक नया सा सिक्योरिटी पैच यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, जिसका डेट रखा गया है 5 जुलाई का। हाल ही में पता है दोस्तों आप सभी लोगों की, आज 1 अगस्त है और 5 जुलाई का हमें सिक्योरिटी पैच इन्फिनिक्स हॉट 10 में देखने के लिए मिल गया है। और इस वाले अपडेट के अंदर बहुत ही सारे कुछ मेरे ख्याल से ऐड हुआ है, जिसको मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बताता जाऊंगा। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही मजेदार होने वाला है, वीडियो लास्ट तक पूरा देखना। और अपडेट का साइज आप लोग देख सकते हो, ये 313 MB का अपडेट है, लगभग 300 MB से ज्यादा ये अपडेट है दोस्तों। सभी कुछ करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास इन्फिनिक्स का हॉट 10 वाला डिवाइस है तो आप दो काम कीजिए। सबसे पहले बताइए आपके पास इन्फिनिक्स हॉट 10 का कौन सा वाला कलर मॉडल अवेलेबल है। मेरे पास रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, आप कौन सा यूज करते हो जरूर बताओ कमेंट करके। और दूसरा जो चीज है, इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करके ऑब्वियसली रख दो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपके पास इन्फिनिक्स का हॉट 10 डिवाइस है तो ऑब्वियसली यार सब्सक्राइब करके रख दो, ताकि आने वाले हर महीने के अपडेट्स के बारे में आपको पता चल जाए। और मेरी वाली डिवाइस के अंदर मैंने ऑलरेडी इन्फिनिक्स का XOS 7.6.0 को इंस्टॉल कर लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। उस वाले वीडियो को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सिस्टम अपडेट के अंदर हमारा ये जो अपडेट है लगभग आ चुका है और कुछ ही दिन पहले मुझे रिसीव हुआ था। और मेरे पास मोबाइल नहीं था, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा लेट दे रहा हूँ। मोबाइल अभी मेरे पास आ चुका है और साथ ही साथ दोस्तों इसको हम लोग डाउनलोड भी कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा वेट कर लो। अपडेट करने से पहले एक चीज़ बार बार मैं बताता हूँ, सबसे पहले अपने फ़ोन को चार्ज कर लो। जैसे कि देख सकते हो 84% चार्ज है मेरे डिवाइस में, आप भी चार्ज करके रखना। और ये जो रिस्टार्ट प्रोसेस है इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आता है दोस्तों बातचीत करते हैं। आप लोग वीडियो एंजॉय करते रहो। तो गाइस, फाइनली हमने ये जो अपडेट है सक्सेसफुली कर लिया हमारे डिवाइस के ऊपर। जैसे कि देख सकते हो अपडेट कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पे टैप करके आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो अपडेट है पहले से ही हमने करके रखा था और यहाँ पे देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन, योर फोन हैज बीन अपग्रेडेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। यहाँ पे दोस्तों सिंपली मैं आपको सेटिंग में ले जाके दिखा देता हूँ। सेटिंग के अंदर चलते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं सिस्टम के अंदर और यहाँ पे सिस्टम अपडेट में चल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सिस्टम अपडेट के अंदर अगर आप लोग टैप करते हो देख सकते हो XOS 7.6.0 है। 7.6.0 यहाँ पे जो ये आपका मतलब कस्टम आईडी था वर्जन का, वो चेंज हो चुका है दोस्तों। इसे पहले मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था। यहाँ पे अगर आप लोग अभी देखो दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे अगर आप लोग अभी देखो 92 था पहले, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था। अभी दोस्तों देख सकते हो ये 94 हो चुका है, मतलब इसमें दोस्तों जो चेंज लॉग वर्जन है उसको बदला गया है कंपनी के तरफ से ऑफिशियली। ताज्जुब के बाद मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे जो ब्राउजर था वो हाई ब्राउजर हो चुका है, ठीक है। इससे पहले मैंने अपडेट से पहले स्क्रीनशॉट लेके रखा था। यहाँ पे आप लोग गौर करके देखिए, यहाँ पे देख सकते हो ए, उसके बाद बी, बी सेक्शन में यहाँ पे आपको ब्राउजर देखने के लिए मिलता था इससे पहले, अपडेट से पहले। अभी मैंने अपडेट कर लिया, अपडेट के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बी वाला सेक्शन नहीं है, ठीक है। आपका जो ब्राउजर है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर से हाई ब्राउजर कर दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और ये हाई ब्राउजर में कुछ नया नया चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल तो मैं इसको यूज़ नहीं करता, आप लोग इसे चाहो तो यूज़ कर सकते हो। इसका इंटरफेस भी अच्छा खासा है, वैसे स्कैनर भी मिल जाता है, ठीक है, तो आराम से आप लोग यूज़ कर पाओगे। एंड और एक चीज़ जो कि पहले मेरे मोबाइल में नहीं था, मैं स्क्रीनशॉट पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो स्क्रीनशॉट मैंने पहले से लिया था। नीचे में आपको कहीं पर भी यूट्यूब म्यूजिक देखने के लिए नहीं मिल रहा था, ठीक है, आप लोग गौर से देख सकते हो। अभी दोस्तों अपडेट करने के बाद मेरे मोबाइल के अंदर ना YT म्यूजिक आ चुका है, देख सकते हो YT म्यूजिक वाला ऐप, तो ये कंपनी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ कुछ फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो यहाँ पे ऐप्स के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज लॉग आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड बात रही अभी एंड्रॉइड 11 की, तो एंड्रॉइड 11 कब तक इस वाले डिवाइस में देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में बहुत ही सारे बातचीत चल रहे हैं। मैंने ऑलरेडी दोस्तों इसके ऊपर एक वीडियो बना लिया, अगर आपने नहीं देखा आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे अभी दूसरे कुछ चीज़ों के बारे में बात की जाए, इससे पहले वाले अपडेट में गेम मोड में यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ था। इसके बाद ये वाला जो गेम जोन वाला ऐप ऐड हुआ था, वो गेम जोन वाला ऐप अभी हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है, देख सकते हो दोस्तों कहीं पे भी हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये गेम जोन वाला ऐप कहाँ पे था
इससे पहले था, मतलब अभी कहाँ पे है मुझे नहीं मिल रहा। फिलहाल मैं यहाँ पे सर्च कर रहा, देख सकते हो यहाँ पे गेम जोन चला गया। अब ये लोग ऐड किए थे फिर भी ये चला गया, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, लेकिन कुछ अलग तो मुझे लग रहा है कि इस बार किया गया है कंपनी की तरफ से। फिलहाल जो वॉलपेपर्स है वही सारे वॉलपेपर्स है, जैसे कि देख सकते हो इससे पहले एक वॉलपेपर ऐड हुआ था। एंड ऊपर में दोस्तों आपको कुछ खास तो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा, देख सकते हो दोस्तों सारा कुछ सेम है। और नीचे में यहाँ पे आपको तीन चार चीज़ें मिल रहा था, वही तीन चार चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। एंड कैमरा थोड़ा ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरा वाले एप्लीकेशन में थोड़ा चलते हैं और एक चीज़ का मैं फोटो खींच लेता हूँ, ठीक है। इस वाले बॉक्स का ही मैं फोटो खींच लेता हूँ, हॉट एट। तो मैंने हॉट एट का फोटो खींच लिया दोस्तों, और हॉट एट का बॉक्स था मेरे पास। 16 मेगापिक्सल का पीछे वाला लेंस मिल जाता है, और एडिट में अभी आपको बहुत ही सारे चीज़ मिल जाते हैं जो कि पहले ही देखने के लिए मिलता था। तो अच्छे खासे यहाँ पे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। फिलहाल जो 4K आपको रिजोल्यूशन मिलता है वीडियो वाले सेक्शन के अंदर, वही आपको इस बार मिल जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 2K आपको मिल जाता है, 4K नहीं सॉरी 2K इससे पहले था, और वही है शॉर्ट वीडियो यहाँ से आप लोग अभी उठा सकते हो, जो एक नया सा फीचर लगा है मुझे। एंड साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको और भी कुछ सारे फीचर दिए गए, एयर शॉट, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट्स, सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाई मोड, और ये शॉर्ट वीडियो भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही सारे मोड ऐड कर दिए गए, जैसे कि देख सकते हो सुपर नाइट टाइम मोड भी है, और बहुत ही सारे यहाँ पे फीचर दिए गए थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से खींचने से जैसे कि आपके पास कंट्रोल पैनल आ जाता है, यहाँ पे भी कुछ कुछ फीचर्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। वर्ल्ड क्लॉक यहाँ पे ऐड किया गया है जो कि पहले नहीं था, ठीक है। तो इतने सारे फीचर्स इस वाले अपडेट के अंदर तो मुझे देखने के लिए मिला है, और ख़ास करके दूसरा कुछ मुझे नहीं मिला। बहुत लोग बोलते हैं कि इस वाले डिवाइस के अंदर फुल स्क्रीन में वो लोग गेम खेलना चाहते हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, हॉट 8 बोलो जो कि मेरे पास है और हॉट 10 दोनों के अंदर किसी में भी फुल स्क्रीन में आप लोग गेम का मज़ा नहीं उठा पाओगे। ये फीचर पहले से अवेलेबल नहीं था, अभी भी नहीं दिया गया है, और इस वाले डिवाइस के अंदर फिलहाल वही जो फीचर था जो टॉर्च ऐसे दबाने से ना टॉर्च ऑफ नहीं होता है, देख सकते हो इसको दबाता हूँ मैं पावर बटन को फिर भी ऑफ नहीं होता, तो ये वाला फीचर अभी तक इनेबल नहीं है। और भी बहुत ही सारे फीचर्स है, बैटरी को लेकर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट और भी होना चाहिए, जैसे कि देख सकते हो सारा कुछ अवेलेबल है। गेम जोन वाला ऐप कहाँ चला गया मालूम नहीं। फिलहाल दोस्तों इस वाले अपडेट के अंदर आपको जुलाई का ही सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल रहा है, और एंड्रॉयड 11 के बारे में और भी बातचीत करेंगे। एंड्रॉयड 10 अभी फिलहाल दोस्तों इसके अंदर रन कर रहा है जैसे कि देख सकते हो, और जुलाई का सिक्योरिटी पैच हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एंड्रॉयड 11 कब तक आएगा इसके बारे में वीडियो बना दिया आपको, बताया मैंने, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हुए बहुत ही सारे और भी वीडियोस हमारे तरफ से आपको इन्फिनिक्स सॉफ्टवेयर के मिलते रहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, और उस वाले रेड बटन को दबा के अपना प्यार भी आप लोग दिखा सकते हो। चलिए गाइस मिलते हैं दूसरे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन्फिनिक्स सॉफ्टवेयर को लेके बहुत ही जल्दी। आज के लिए दोस्तों सबका दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।